किसी सामाजिक धार्मिक अथवा राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को सम्मानित करने के लिए आयोजकों द्वारा बैच लगाए जाते हैं। आयोजन होने के बाद भी बैच कहां चले जाते हैं इसका कोई पता नहीं रहता, लेकिन एमसीबी जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो जिले के लोगों की जुबान पर है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को सेना झंडा दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में जिले के उन सैनिकों और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया था जिन्होंने सेना में अपना विशेष योगदान दिया था। इस दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी द्वारा कलेक्टर समेत वहां मौजूद अन्य अतिथियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर जो बैच दिया गया था वह बैच अन्य अतिथियों ने अपने घरों पर जाकर उतार दिया, लेकिन कलेक्टर कोरिया का सैनिकों और देश की सेवा के प्रति जो सम्मान उनके मन में है वह उनके व्यवहार से देखा जा सकता है, जिसे आयोजन समाप्त होने के एक पखवाड़े बाद भी उन्होंने अपने सीने से लगा रखा है। इस बारे में पूछने पर कलेक्टर का कहना था कि हम सभी को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर पहनाया गया था, उस दिन से मैं हमेशा ही सैनिकों के सम्मान में ये पहनता हूँ और आम लोगों आम नागरिकों से अपील करता हूँ कि अपनी सेना का मतलब उसका सम्मान करें और उनके काम में बिल्कुल सहयोग करें और एक अच्छे नागरिक की भूमिका में अपनी समाज के साथ देश की सेवा करें। तो सभी से मेरा यही अपील है और इसीलिए मैं 7 दिसंबर के बाद से लगातार उन सैनिकों के सम्मान के लिए मैं अपने ये जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस का जो ये चिन्ह है उसको लगाया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर हम यह प्रतीक चिन्ह लगाकर देशवासियों को इस देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।